सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप का प्राइवेट पॉलिसी को लेके बहुत सारे लोग निराश हैं और उन्होंने व्हाट्सएप को बायकॉट करके सिग्नल ऐप में स्विच कर दिया है। और व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग अगर उनके प्राइवेट पॉलिसी को आप नहीं मानते तो वो 9 फरवरी तक आपका जो अकाउंट है वो परमानेंट डिलीट करने वाले थे। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि बहुत बड़ा व्हाट्सएप की तरफ से अपडेट आया है कि वो आपका अकाउंट अभी डिलीट नहीं करेंगे, वो आपको कुछ समय और देने वाले हैं जिससे आप उनके प्राइवेट पॉलिसी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएं, उसके बाद वो आपका अकाउंट डिलीट करने वाले हैं। वो कौन सा डेट है जिसमें जो है आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट होगा, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि व्हाट्सएप का जो है बहुत सारा जो डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर होने वाला है। कैसे शेयर होने वाला है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, व्हाट्सएप के कारण व्हाट्सएप के बहुत सारे यूज़र सिग्नल ऐप में स्विच कर गए और इसको लेके व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसको देखते हुए उन्होंने 9 फरवरी को अपना जो व्हाट्सएप का प्राइवेट पॉलिसी का जो इशू है उसको डिलीट ना करने का फैसला लिया है। उसने बताया कि अभी हम यूज़र को कुछ समय का और वेट देंगे, डेट देंगे, जिससे क्या होगा कि वो इनको अच्छे से समझ पाए, समझने के बाद वो जो है अकाउंट को डिलीट करेंगे। डिलीट करने का जो डेट है वो है 15 मई तक। वो जो है ये प्लान जो है एक्सपेंड कर दिया है। तो ये जो प्लान था कि वो जो है यूज़र का जो डेटा है वो डिलीट करने वाले थे 9 फरवरी तक, उसको वो एक्सटेंड कर दिए हैं 15 मई तक। तो 15 मई तक आपका जो अकाउंट है अगर आपने डिसअलाउ किया है तो वो आपका जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा न्यूज़ निकल के आया है जो मैंने आपको सबसे पहले बताने की कोशिश किया चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।